हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खबरदार, हिम्मत है तो रोक के देखा। खबरदार जो आगे बढ़े मेरी बच्ची को हाथ भी लगा दो। चलो छोड़ो सर, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो, जल्दी मुझे बता, जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़िया उस बदमाश की माँ है, इसका बेटा मेरी भतीजी को यही अगवा करके लाया, मुझे पक्का पता है। शावेज यहाँ रहता है, बुलाओ उसको। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी शावेज। मर जाओ, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो? और नहीं तो क्या, इस दो टके के इंसान के साथ ऑफिस जाते हुए अच्छी तो लगोगी नहीं। शावेज मैं तन्हा नहीं रह सकती हूँ। ये तन्हाई तुमने खुद चूज की है, तो रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंसानों के साथ रहने के लायक तुम हो। बात सुनो मेरी, मैं यहां नहीं रहूंगी। हाँ छोड़ो मेरे, थैंक यू। अरे आपा, मैं तो पहले ही जानती थी कि जरूर कोई ना कोई बात है। अब देखो ना, शावेज के बॉस ने अपने से कम हैसियत के लोगों में जो अपनी बेटी दे दी, कोई तो बात होगी ना। अपनी भला उतार के हमारे साथ टाल दी। अरे नहीं जरीना, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बहुत नेक इंसान है, उनकी नियत में कोई खोट नहीं है। और फिर मेरा शावेज कौन सा कम है, उन्होंने हर अच्छे बाप की तरह एक हीरे की तरह का लड़का ढूंढा। अच्छा, ना तो फिर टिक के रही क्यों नहीं उनकी लड़की हमारे घर में, जब से ब्याह के आई है एक दिन भी टिक के बैठी है वो यहाँ। और तो और, रही सही जो कसर थी उसकी फूफी ने पूरी कर दी, यहाँ पुलिस ला के। नहीं जरीना, सिर्फ बहू को तुम इल्जाम मत दो। शावेज तो अक्लमंद है ना, उसने कौन सी कोशिश की उसके साथ निभाने की, अब पता नहीं उसको कहाँ लेकर चला गया। और आप ही कहती हैं कि तुमने अपनी दो बीवियों को मार के दफन कर दिया है और रो को फरो। ये तो तुम्हारी आप ही की ना। मैं क्या, अरे बहुत बोलती हैं यार वो। बीजी उस पर लगाम डालना बहुत जरूरी था, फिलहाल वो मेरे दोस्त के अपार्टमेंट में, कुछ दिन उसको तन्हाई के मजे लूट लेने दें। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? शावेज तुम सदा की मुश्किल पसंद रहे, बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना तुमने बहादुरी के साथ किया, तो फिर अब क्या हुआ? अब एक अजीब सी मुश्किल में फंस गई। अच्छा, मशल की शक्ल बहुत मुश्किल तरीन तो नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बहुत ही क्यूट है वो तो। मेरी बच्ची कैसे होगी? अरे आपा, तुम खामखा में तरस मत खाया करो, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। जो वो लड़की हमारे घर तक पुलिस लेके आ गई, अरे हम जैसे शरीफों के घर में पहले कभी पुलिस आई थी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। शावेज गुस्से का बहुत तेज है, कुछ कर ना बैठे। मैं हसन भाई को क्या जवाब दूंगी? अरे अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान ना हो, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला खैर करे, अपना करम फरमाए। खाला जान, आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं? शावेज माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगा, आप बस चाय पीजिए। आज पूरे दो दिन के बाद मैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देख रहा हूँ। ये दो दिन मुझे दो साल की तरह लगे। सच? इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम कहो तो ये दिल चीर के दिखा दूं कितनी मोहब्बत है इसमें तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे यकीन है तुम आमिर, मगर क्या बात है, कोई मसला? हाँ, उस दिन दूल्हा भाई ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था बाइक पे,
उन्होंने आप ही को बता दिया और आप ही ने अम्मी को। अरे इतनी सी बात है यार, क्यों डर रही हो? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं आमिर, घर में मेरी निगरानी होने लग गई है। वैसे भी अम्मी आज आप ही के साथ बाजार गई तो ही मैं मिलने आई आपसे। तुम अगर मेरा साथ दो ना तो मैं एक मिनट में इन सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, फिर कोई भी मसला नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। वैसे ही सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हैं और आप ही कहती हैं कि तुमने अपनी दो बीवियों को मार के दफन कर दिया है और रो को फरो। ये तो तुम्हारी आप ही की ना। मैं क्या, अरे बहुत बोलती हैं यार वो। आमिर एक बात तो बताओ, क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ किया है? तुम बताओ, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं, मेरा दिल तो नहीं कहता। हाँ तो बस फिर किसकी सुनोगी, अपनी अम्मी की, अपनी आपी की या फिर अपने दिल की? क्या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? है, तुम्हारी सुनूंगी बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? जीते रहो मेरे बेटा। सुनो, आज मैं तुम्हारे हाथ के सैंडविचेस भी खाऊंगा और कश्मीरी चाय भी पीऊंगा, मगर थोड़ा जल्दी। मैं सैंडविचेस तैयार कर चुकी हूँ, मुझे पता था कि तुम मेरी शक्ल देखोगे और सैंडविच मांगोगे। वाह सायरा, तुम्हें अभी तक याद है मेरी सारी पसंदीदा चीजें? कैसे भूलती मैं, पागल हमारा बचपन का साथ गुजरा है, अगर भूलना भी चाहूँ ना तो मुमकिन नहीं। चाय मैं बस अभी दो मिनट में लेके आई। अरे आओ आओ शाबेश बेटा, जीते रहो। भाई मुझे एक बात तो बताओ, लोग शादी कर लेते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है और एक तुम हो कि खाम खा का जंजाल पाल लिया। आपका जो ये बेटा है ये बहुत बहादुर है, इसीलिए इस पर इस तरह की आजमाइशें आती हैं। बेटा अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश से बचाए। शाबेश मुझे बताओ ना, मशल कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने बहू को? बीजी उस पर लगाम डालना बहुत जरूरी था, फिलहाल वो मेरे दोस्त के अपार्टमेंट में, कुछ दिन उसको तन्हाई के मजे लूट लेने दें। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? कैसे तुमने उसे किसी अजनबी जगह पे रख दी? फिर तुमने ऑफिस पे जाना है, बहू को भी तुम टाइम दोगे कैसे? इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आपा, शावेज ने ये फैसला कुछ सोच समझ के किया होगा। क्या मालूम वो अकेले रहना चाहती हो। बीजी मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहली बार आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी करूँ, लेकिन विषय अब इस घर में कभी नहीं। पर क्यों, इसकी वजह भी तो हो कुछ। हाँ है इसकी वजह। इसकी वजह है राफिया बेगम। अगर मैं मिशी को उस घर में लेकर आया तो राफिया बेगम बार बार यहाँ आएंगी, आपको परेशान करेंगी, मिशी के कान भरेंगे, और हसन बेग साहब खुद मिशी को राफिया बेगम से दूर रखना चाहते हैं। बीजी बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद हसन बेग साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और ये खेल तमाशा सब खत्म हो गया। सुफिया एक ग्लास पानी तो पिलाना। खुद जाके पी लें। रोज रोज ससुराल जाके अपनी इज्जत खराब ना कर। आज वो तेरी सास सारियां जो तेरी तारीफें करते हुए थकती नहीं है ना, जब उनके पास जाके उनके घर रहना शुरू कर देगा तो देखना कैसे हकारत की नजर से देखेंगी तुझे। हमेशा ना, हमेशा ऐसी बातें करती रहती हो। इज्जत है मेरी वहां पे, इज्जत करते हैं वो लोग मेरी, वैल्यू है मेरी, वैल्यू। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्या पता तुझे। अपना घर छोड़ के मत जा, अपनी जगह पड़ा पड़ा पत्थर जो होता है ना वो मजबूत होता है, और अपनी जगह से हटने के बाद ठोकरों में आ जाते हैं। सुन असगर, Thank you.
मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ फरा, दुनिया में लोगों की तादाद किस तेजी से बढ़ रही है। ये बात तो है। और एक हम बदनसीब जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ, मेरे साथ तुम हो, हमें क्या जरूरत है किसी की? जरूरत है फरा, हमारा कोई महरम, कोई मोतबर रिश्ता नहीं जिसके साथ हम हज या उम्रा अदा कर सकें। ओ, इतनी गहरी बात कैसे कर दी तुमने? क्या वाकई फरा हम सारी जिंदगी इन सादतों से महरूम रहेंगे? अल्लाह सबसे बड़ा है रा, जब उस जात को उस चौकट पर हमारा सजदा कराना मंजूर होगा तो असबाब खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तुम इस वक्त यहाँ पे, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ वो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। सुनो ये सब छोड़ दो, तुम फरीदा कर देगी, तुम मेरे साथ बाहर चलो। बाहर इस वक्त? हाँ क्यों, कराची में इस वक्त लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं। अच्छा तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी करो, बाहर इंतजार करो तुम्हारा। शावेज, तुम तो मुझसे कोई खास बात करने आए थे, फिर इतनी देर से चुप क्यों हो? सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। क्या, ऐसी क्या बात है शावेज जो तुम नहीं कह पा रहे? पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, जो कहना चाहते थे मेरी तरह कह देते थे। पहले मेरी जिंदगी कभी इतनी मुश्किल भी नहीं थी। शावेज तुम सदा के मुश्किल पसंद रहे हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना तुमने बहादुरी के साथ किया, तो फिर अब क्या हुआ? अब एक अजीब सी मुश्किल में फंस गई। अच्छा, मशल की शक्ल बहुत मुश्किल तरीन तो नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बहुत ही क्यूट है वो तो। तुमने चांद तो देखा ही होगा, कितना हसीन होता है, मगर उसमें मौजूद दाग उसकी खूबसूरती को कम कर देते हैं। दाग के बावजूद भी चांद 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 ही रहता है, खूबसूरत, रोशन और पुरकशिश। तुम ये क्यों नहीं सोचते? I'm sorry, मैं भूल गया था, मैं तुमसे बहस में तो जीत ही नहीं सकता। तुमने मुझे जान बूझ के सब जाया लग किया है, मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें मारूंगी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें मारूंगी। अगर मैं इतनी बुरी हूँ ना तो मेरी आमिर से शादी करवा के मुझे रुखसत करें, उसने वैसे रिश्ता तो दिया है ना आपको। सब जानती हूँ तेरे मिजाज और दिमाग को, जब से उस बदमाश के रिश्ते को इनकार किया है ना, जब से तुम मिर्ची चबाने लगी है। अरे जो जो कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो, है भाईजान को छोटे मोटे बिजनेसमैन देंगे जो कंगाल हो जाएंगे, वो अभी भी खाली हाथ नहीं बैठे हुए होंगे। तुमने सुना नहीं, हाथी मर के भी 1,25,000 का होता है। बीजे की तन्हाई मेरे लिए सबसे ज्यादा फिक्र का बहस है, मैं किसी भी हाल में उनको तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं खाला जान के साथ रह लूंगी। कब तक? जब तक तुम चाहो। जब तक मैं चाहूं। तुम क्या अपने मियां से कोई झगड़ा वगैरह करके आई हो? काश झगड़ा करके आती उससे। बीजी कैसे खाना खा के आए?
तुम्हारे लिए पिज्जा रखा है, भूख लगे तो खा लेना। मुझे तुम्हारे पिज्जा की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? चीखो मत। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। शावेज मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। तुम यहीं रहोगी इसी घर में। कल तक तुम्हारे रिश्ते थे, घर था, मगर तुमने उनको कोई अहमियत नहीं दी। आज तुमको उन सारे रिश्तों की जरूरत है, मगर वो तुमको छोड़कर जा चुके हैं। नहीं, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे जानबूझ के सब चाल लग किया है। मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मारूंगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें मैं तुम्हें मारूंगी। चुप बैठो। चुप। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे इस रवैये से मैं पिघल जाऊंगा तो तुम्हारी भूल है। मैं तो बहुत पहले ही तुमसे अलीहदगी इख्तियार कर लेना चाहता था। अगर तुम अपना एटीट्यूड सही रखती, बीजी के साथ ना बिहेवियर अच्छा रखती, घर से ना भागती तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं फैसला कर चुका हूं। क्या बात है, ऐसी क्या खबर अखबार में जो इतने हैरान होकर पढ़ रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखबार ही उल्टा पकड़ा हुआ तो खबर क्या पढ़नी है आपने? सॉरी। क्या बात है असगर, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे आपकी। अजीब हरकतें करते हैं, अजीब बातें करते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं। ये सानिया को क्या हो गया? हर वक्त कमरा बंद करके बैठी रहती है। वो हमारे साथ क्यों बैठेगी? उसके मियां का पैसा जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो तो अपना भरम दिखाएगी ना कहीं ना कहीं। सूफी, क्या हो गया तुझे? इतना कड़वा बोलने लगी है, अंगारे चबाने लगी है क्या? अम्मी, जो सच बोलते है ना उनकी बातें सबको ही कड़वी लगती है। ओहो, पागलमन बीबी को तो देखो जरा है। अम्मी, अगर मैं इतनी बुरी हूँ ना तो मेरी आमिर से शादी करवा के मुझे रुखसत करे। उसने वैसे रिश्ता तो दिया है ना आपको। सब जानती हूँ तेरे मिजाज और दिमाग को। जब से उस बदमाश के रिश्ते को इनकार किया है ना, जब से तुम मिर्ची चबाने लगी है। अम्मी, बदमाशी सबकी फितरत में कहीं ना कहीं छुपी होती है, चाहे कोई कितना शरीफ क्यों ना हो।
हाँ ये अलहदा बात है, कोई बदनाम हो जाता है कोई नेक नाम ही रहता है सब कुछ करके भी। हाँ जब से तू उस बदमाश से मिलने लगी है ना, जब से हम सब तुझे बदमाश नजर आने लगे, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, दूर हो जा मेरी नजरों से वरना ये हाथ छोड़ दूंगी तेरे मुंह पे। हाँ जा रही हूँ। चली जा। अम्मी ये आमिर का रिश्ता कब आया सूफी के लिए? कल दोपहर को भरे बाजार में जब मैं आ रही थी तो मुझे रोक के कहता है कि खाला मैं तेरी बेटी सूफिया से शादी करना चाहता हूँ। तो क्या कहा तुमने? कहना क्या था, मैंने कहा आज तो तेरी नापाक जुबान से मेरी बेटी का नाम निकल आया, कल को अगर तूने मेरी बेटी का नाम लिया तो यही जुबान गले में टाई बना के लटका दूंगी। हाँ दुम दबा के भाग गया। और अपनी इस बेटी की जुबान का क्या करोगी? काट के हाथ में रख दूंगी। मामा आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गई हैं। क्या करूं, टांग पे टांग रख के खड़ी जाऊं, लेकिन अगर इस तरह करने से मिशन मिल जाती है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। वो मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप देखें हमें कितना लॉस हो रहा है और मिशी एक दफा फिर हाथ से निकल गई ना। कहीं उसने मिशी का मर्डर तो नहीं कर दिया है? Don't be so stupid, Jojo. वो कैसे एक सोने की चिड़िया को मार सकता है वो चलाक आदमी? अभी तो आप कह रही थी कि अंकल को बिजनेस में लॉस हो गया है। अरे जोजो कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो है, भाईजन को छोटे मोटे बिजनेसमैन देंगे जो कंगाल हो जाएंगे, वो अभी भी खाली हाथ नहीं बैठे हुए होंगे। तुमने सुना नहीं हाथी मर के भी 1,25,000 का होता है? अच्छा ठीक है मॉम, आपको ये उस वक्त क्यों नहीं देखा जब मेरा और मिशी का ब्रेकअप हो रहा था, अब नजर आ रहा है सब? ओहो जोजो, डोंट बी सिली जान, आई एम सॉरी, आई नो आई हैव डन अ मिस्टेक, लेकिन बार बार तुम मुझे कह के एम्बैरेस तो मत करो ना। मैंने सोचा था कि भाईजान मेरे प्रेशर में आके मेरी बात मान लेंगे, मुझे क्या पता था कि और सब उल्टा हो जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? मॉम मैं शावेज को ऑफिस से फॉलो करूंगा और वो डेफिनेटली कहां जाएगा? मिशी के पास। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मिशी किधर है। That's a wonderful idea. You have brain, my son. आप ही कह रही थी नहीं है। जब अच्छी बात करोगे तो है ना। तुम सोई नहीं अभी तक बेटा? नहीं खाला जानी, वो दिन में सो गई थी ना, इस वजह से नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा लेकिन आप क्यों जाग रही हैं? शावेज की वजह से परेशान है? बस वो आदत नहीं है ना मुझे, वो घर पे नहीं है तो घर बिल्कुल कब्रिस्तान सा लग रहा है, खामोश वीरान सा। आप बहुत खुश नसीब हैं खाला जानी, शावेज दूर होके भी आपसे दूर नहीं। और मेरी अम्मी को देखें, असगर भाई ना सिर्फ घर से ही बल्कि दिल से भी दूर हो गए। बस बेटा औलाद कहीं भी रहे खुश रहे, माँ के दिल को यही तसल्ली होती है। ज़ीना ने तो अब सबर कर लिया, शावेस अगर खुशी से अलग हो जाता ना तो मैं भी बहुत खुश होती। मगर खाला जानी प्लीज परेशान मत हो, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर शावेस आपके साथ होगा। मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, सर दबा देती हूँ, आप चले सो जाते हैं। बेटा मिसेस कैसी हैं आपकी? जी ठीक है माशाल्लाह। कभी लेकर आए ना हमारे घर उनको, हेरा और मुझे मिलकर उनसे खुशी होगी। जी इंशाल्लाह जरूर।
हिरा क्या हुआ हिरा परा वो आ गया परा कौन आ गया कौन आ गया परा वो मुझे मार डालेगा होश में आओ मुझे मार डालेगा परा तुमने कोई ख्वाब देखा है हिरा अल्लाह तुम्हें खैर से ले जाए अल्लाह ने कमान अरे वो तुमने सूटकेस नहीं उठाया कौन सा सूटकेस बीजी अरे बेटा उसमें तुम्हारा और बहू का कुछ सामान है हर हर